देखो मान लीजिए ये क्वेश्चन करना है, फाइंड सम ऑफ एन टर्म्स, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर 10 स्क्वायर 15 स्क्वायर। देखो इसका हमें एन टर्म्स तक सम चाहिए। देखो ध्यान दो, जैसे पहले हम इसका nth टर्म निकालेंगे, है ना। देखो क्या हो रहा है, जैसे हम देख रहे हैं 1 है 3 है 6 है 10 है 15, है ना, इसका हमें nth टर्म चाहिए होगा। देखो जैसे ये एपी या जीपी तो है नहीं, इनके डिफरेंस लें क्या आएगा, 2 डिफरेंस 3 डिफरेंस 4। देखो डिफरेंसेस एपी बना रहे हैं, तो यहां पर हम लोग डिफरेंस मेथड लगा सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस मेथड लगाने के लिए देखो पहले इसका टीएन मिलेगा, तो हमने सम को एस मान लिया, है ना। सम को एस मानने के बाद हमने क्या किया, देखो nth टर्म को टीएन मान लिया, है ना। अब क्या करेंगे, देखो इसी एस को एक आगे बढ़ा के लिख देंगे 1, 3, 6 और 10, यहां देखो tn माइनस 1 और देखो tn। अब माइनस कर देंगे, ये माइनस, देखो क्या होगा, s माइनस s 0 होगा, देखो ये 1 हो जाएगा, यहां पर 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सब में से माइनस करना होगा हमको, ध्यान दो, इसमें से इसे माइनस किया, ठीक है, और माइनस का देखो ये टी एन, ठीक है। देखो क्या हुआ, मैंने क्या बताया था कि माइनस करने के बाद एन प्लस वन टर्म्स हो जाते हैं, तो इसमें एन प्लस वन टर्म्स हो गए, है ना। अब टी एन को उधर ले आएंगे, तो टी एन यहाँ आ गया, ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 से लेकर के ये बचा, मान लो ये हमारा के एन है, तो इसमें कितने टर्म्स बचे, अब देखो इसमें एन टर्म्स बचे रह गए, है ना, क्योंकि माइनस करने के बाद एन प्लस वन टर्म्स होते हैं, तो एन प्लस वन टर्म्स थे, टी एन को वहां ले आए, तो फिर से एन बचे। अब हमें इसके एन टर्म का सम चाहिए, तो देखो ये हमारा सिग्मा एन हो गया, सिग्मा एन, तो सिग्मा एन क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू आ गया, है ना। तो इसका जो nth टर्म है, देखो वो ये इसका nth टर्म आ गया। देखो चेक करो, n को 1 रखोगे देखो 1 मिलेगा, n को 2 रखोगे देखो 3 मिलेगा, n को 3 पुट करोगे देखो 6 मिलेगा, n को 4 पुट करोगे देखो 10 मिलेगा, है ना, देखो मिल रहा है। तो ये हमारा देखो इस सीरीज का n टर्म है, तो देखो इस सीरीज का जो nth टर्म होगा वो इसका स्क्वायर होगा, n इंटू एन प्लस वन बाई टू का क्या होगा बोलो, होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब देखो ये यहाँ पर आ गया है 1/4, और देखो ये n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारा टी एन आ गया, अगर हमें एस एन चाहिए है तो हमें सिग्मा ऑफ टी एन करना पड़ेगा। अब देखो ध्यान दो, अब ये अच्छा क्वेश्चन नहीं रह गया, देखो अच्छा क्वेश्चन इसलिए देखो नहीं रह गया, इसमें देखो क्या होगा, जब आप टी एन निकालोगे तो देखो इसमें एन की पावर 4 आ जाएगी। अब सिग्मा ऑफ एन की पावर 4 तो हमें याद नहीं है एक्चुअली, वरना वरना मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सिग्मा एन की पावर 4 या सिग्मा एन की पावर 5 निकालिए, है ना। तो वैसे ये क्वेश्चन हमारे काम का नहीं है, बताया मैंने ऐसे करने का तरीका, क्योंकि इसमें क्या होगा एन की पावर 4 आ जाएगा। अब सिग्मा एन की पावर 4 की वैल्यू हम जानते तो है नहीं, होती तो है, सिग्मा एन की पावर 4 भी होगा, सिग्मा एन की पावर 5 भी होगा, है ना। तो इसका मतलब एक अच्छा क्वेश्चन नहीं रह गया, हाँ इसका टी एन हम निकाल सकते हैं, टी एन तक निकाल लिया। एस एन निकालने के लिए फिर वही सिग्मा एन की पावर 4 मालूम होना चाहिए, और वो नहीं मालूम है तो परेशान मत हो, इसको ऐसे ही छोड़ दो, है ना, क्योंकि ये एक अच्छा क्वेश्चन नहीं रह गया, ऐसा क्वेश्चन आई टी वाले देते नहीं है कभी, ठीक है। देखो इसको ध्यान से बच्चों पहले,